माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 2262 पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की बात जो एक ऐसी बात मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहूँगा, जिस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम आज़ादी के पूर्व से पढ़ते आए हैं, आज़ादी के बाद तक देखते आए हैं, हमारे देश के बहुत स्वतंत्रता सेनानी जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में गए, महात्मा गांधी हो, भीमराव अंबेडकर हो, और उन्होंने जो हालात परिस्थिति देश में उस शिक्षा को लेकर के देखी, और आज़ादी के साथ में उच्च शिक्षा को लेकर के इस प्रकार के अच्छे संस्थान स्थापित करके इस देश में उच्च शिक्षा का एक बड़ा स्तर करते हुए उन्होंने जो योगदान दिया, उसके साथ में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, हर वर्ग को उसमें अवसर मिले, और एक संविधान द्वारा एक आरक्षण की व्यवस्था भी की गई, जो आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए उस शिक्षा में रोस्टर प्रणाली बनाई गई, और रोस्टर प्रणाली के आधार पर ये तय किया गया कि ओबीसी, एससी, एसटी और इन पिछड़े वर्गों को कैसे आरक्षण दिया जाए। आज हालात ऐसे हैं कि आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, बहुत सारे विश्वविद्यालय में रोस्टर रजिस्टर नहीं बने हुए, अगर कई जगह रोस्टर रजिस्टर है भी तो सही तरीके से नहीं बने हुए, तो ऐसी स्थिति में आप बताइए भर्तियां किस आधार पर निकाली जा रही हैं। बहुत सारे आरक्षित वर्गों के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 में 134 के लगभग एससी एसटी जो उनके पद हैं एससी एसटी वर्ग के, वो कम हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2014 में एससी एसटी के 153 पद बैकलॉग के हैं, वो कहाँ पर हैं। ये जो शिक्षा नीति के साथ में, उस शिक्षा में हम जिस प्रकार की चर्चा आज सेमेस्टर शिक्षा की हम कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति ला करके सेमेस्टर प्रणाली हमने यहाँ पर लागू कर दी, आज हालात परिस्थिति ऐसी है कि महाविद्यालयों में बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, बैठने की बात तो उनके लिए दूर की बात है, कई महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर वो सही तरीके से खड़े होकर के भी वहाँ उस संसाधनों के अभाव में शिक्षा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ आपने सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ कर दी, जिससे फीस को दोगुना करके आपने गरीब युवाओं का जो नुकसान करने का काम किया है, ये भी एक तरीके से गलत है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय सहित जो प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं उनके शिक्षकों के संबंध में भी चर्चा करना चाहूँगा, आज उनकी पदोन्नति समयबद्ध नहीं हो रही, आज उन शिक्षकों को 5-5 साल का इंतजार करना पड़ता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 325 शिक्षक ऐसे हैं जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, इससे शिक्षा का जो स्तर है वो कम हो पा रहा है, गुणवत्ता कम हो रही है, और शिक्षकों का मनोबल भी है वो कम होता है। मैं माननीय सभापति महोदय, विद्या संबल योजना की बात करना चाहूँगा, पिछली कांग्रेस सरकार ने लगभग 300 से ज़्यादा राजकीय महाविद्यालय खोले और शिक्षण व्यवस्था के लिए विद्या संबल योजना चलाई, जिसमें नियुक्ति एक वर्ष के लिए एपीआई स्कोर के आधार पर शुरू की गई, जिसमें 2000 के लगभग नेट जेआरएफ पीएचडी डिग्रीधारी बेरोजगारों को रोजगार मिला, लेकिन उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अब सरकार इन योग्यताधारी युवाओं को हर 6 महीने में आवेदन मांग रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात पूरी करूँगा, एक पूरे सत्र के लिए इन युवाओं से अगर नियुक्ति कर दें तो इन शिक्षकों को मैं कहूँगा कि ये युवा अवसाद में नहीं आएंगे, और इनको शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जाए। प्रदेश में फर्जी डिग्री का खेल भी बहुत चल रहा है, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय बन गए जो फर्जी डिग्री दे रहे हैं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए हम बिल ला करके इनका निर्वसन किया जाए, ताकि नौजवानों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं माननीय हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री, आपसे निवेदन करूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बंद है, मैंने नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया, और ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार का जवाब आया, जिसमें कहा गया कि 2006 से 10 तक छात्र संघ के चुनाव स्थगित किए गए। मैं कहना चाहता हूँ 2006 से नहीं, 2005 से 10 के मध्य छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। उच्च शिक्षा मंत्रालय से अगर ऐसा जवाब, गलत जवाब, तथ्यों के ऐसे गलत तथ्यों के आधार पर आता है, वो चिंताजनक है।
इनमें यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव आवश्यक हैं। आज अगर मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला है तो उस राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद की वजह से यहाँ पर आने का अवसर मिला। वहाँ के छात्रों ने मुझे वहाँ का छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। मैं अनुरोध करूँगा कि आप जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव शुरू करा करके छात्रों के साथ न्याय करें और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे जो विश्वविद्यालय में सिंडिकेट जैसी संस्थाओं में ला करके वहाँ भी छात्रों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाने का काम करें। मैं, मेरे क्षेत्र की कुछ डिमांड है। हमारे वहाँ पर महाविद्यालय बाबा गंगादास महिला महाविद्यालय है, वहाँ इतिहास विषय में यूजी है, वहाँ पीजी में इतिहास में पीजी सब्जेक्ट को इतिहास सब्जेक्ट को पीजी में लिया जाए और अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र, संस्कृत, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र को पीजी में लिया जाए। हमारे राडावास में बिराजी कॉलेज बना हुआ है, उसमें विज्ञान संकाय खोला जाए। खेजरोली में सह शिक्षा महाविद्यालय खोला जाए। मैं परिवहन पर माननीय सभापति महोदय एक मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में जयपुर ग्रामीण का जो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये हाईवे है और यहाँ पर बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ पर बस स्टॉप नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, वो खोला जाए। हमारे यहाँ पर जो शाहपुरा आगार को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए जिससे यहाँ हमारे इस आगार को फायदा हो। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20 अन्य बसें उपलब्ध कराई जाए जिससे हमारे जयपुर, दौसा, अलवर, चौमू, सीकर, दिल्ली, बांसवाड़ा, हरिद्वार तक जो एक हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ठीक से चालू हो। हमारे यहाँ पर 200 फीट अजमेर बाईपास से जयपुर से लेकर के दौलतपुरा, शाहपुरा, पावटा, विराटनगर, कोटपुतली के लिए एक नया रूट बनाया जाए जिससे हमारे लोगों को फायदा हो। हमारे यहाँ पर कई ऐसे रूट जो अभी तक जहाँ पर सरकारी बस सेवा नहीं है वहाँ पर भी बस सेवा शुरू की जाए। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।